प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। हमारे विद्यालय में फलित ज्योतिष कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। क्लास 15 मार्च से शुरू होंगी। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, वह जल्द से जल्द हमें संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको फलित ज्योतिष, रतन ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष, जन्मपत्री बनाने की विधि व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान सिखाया जाएगा। कोर्स फीस 15,000 रुपये, कोर्स अवधि 4 महीना, समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से 12:30 बजे तक व दूसरा बैच शनिवार व रविवार सुबह 11 से 1 बजे तक चलेगा। संपर्क करें 9998609070118054641। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, राहु के गोचर फल का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आखिर ये राहु आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आएगा। 7 मार्च से उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च के होंगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज सिंह राशि की अब तक कर्क के बारे में जानकारी दे चुका हूं। सिंह राशि के लिए जो राहु हैं वो लाभ स्थान में चले जाएंगे, और लाभ में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है लाभ को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य परिवर्तन पूरे इस वर्ष में देखने को मिलेंगे राहु के सिंह राशि के ऊपर, वह 3-4 चीज़ों पर रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि आपको भूमि से, ज़मीन से, जायदाद से, इन सभी से लाभ की प्राप्ति होगी। सुख साधनों से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। सुख साधन के हाउस में आपके गुरु रहेंगे और राहु भी इनको बढ़ावा देंगे। दूसरी बात कि जो काम आपके बिगड़े हुए हैं, नहीं बन पा रहे थे, वह भी बनने लगेंगे। उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। काफी प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी और विदेशों से लाभ प्राप्ति का एक सुंदर योग बन रहा है। यानी कि यदि आप विदेश यात्रा का विचार बना रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर बनाइए, योग अच्छा है। राहु यहां पर आपके लिए काफी अच्छे हैं, पर आपके जो रिलेशन हैं उनको तनाव की तरफ लेकर के जाएंगे। और विशेषतः है 7 मार्च के बाद से कहीं ना कहीं जो आपके अपने बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपकी कम बनने लगेगी। उनके ऊपर आपका गुस्सा थोड़ा ज्यादा निकलेगा। सिंह राशि वालों के लिए हम राहु का जो परिवर्तन है वह अच्छा मान सकते हैं, पर अधिक प्रयासों के साथ सफलताएं मिलेंगी, पर श्रम ज्यादा लगेगा। अब कुछ तारीखें मैं आपको बताता हूं। सिंह राशि में जब मंगल और सूर्य भ्रमण करेंगे तो 16 अगस्त से लेकर के और 9 सितंबर तक का जो समय है वह बहुत विशेष सावधानी के साथ व्यतीत करना होगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक।
केतु की नौवीं दृष्टि आपकी लगन के ऊपर आ रही है, तो इसलिए आपकी जो सोचने की समझने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। सूर्य और मंगल सिंह राशि में, यानी कि सूर्य स्वयं राशि के हो जाएंगे, तो 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक का जो समय होगा यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन नज़र आता है, क्योंकि स्वयं राशि के हो जाएंगे, लगन के कारक होते हैं, अपनी राशि में आ जाएंगे, आपको बल देंगे। तो दोस्तों, राहु का चेंज उच्च के राहु का सिंह राशि के लिए अच्छा है, लाभप्रद है। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं, या आप 15 मार्च से प्रारंभ होने वाले हमारे ज्योतिष के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।